हेलो फ्रेंड्स, सुकंदर पल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं विंटर सीजन का एक बहुत ही सुंदर फूल लेके आई हूँ, जो देखने में खूबसूरत तो है ही, साथ में इसे मिट्टी मिट्टी इनमें खुशबू भी आपको मिलेगी। और इस प्लांट के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि एक भी जानकारी आपसे मिस नहीं हो सके। और इस खूबसूरत प्लांट का नाम है स्टॉक प्लांट। यह एक ऐसा प्लांट है जिसे आप अगर विंटर के अर्ली दिनों में लगा लेते हैं तो इस समय यानी फरवरी मंथ में मैं आपका गार्डन हमेशा फूलों से लबालब भरा हुआ दिखाई देगा, और वो भी कम दाम में। स्टॉक के छोटे से सीडलिंग का प्लांट नर्सरी में मात्र 20 रुपीज़ में मिल जाती है। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने छोटा सा सीडलिंग सितंबर मंथ में ही खरीद के लगा लिया था। उस समय मुझे ये मात्र 10 रुपीज़ में एक प्लांट मिला था। मुझे पता नहीं था कि ये कौन से कलर आएंगे इसमें खिल के। फूल खिलने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर इसमें दोनों ही हैं। आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद और ये पर्पल दोनों ही शेड प्यारी है, और बहुत भर भर के फूल इसमें आ रहा है। मैंने इस तरह से इसे रेक्टेंगल पॉट में लगाया है और इन्हीं सीड एरिया में रखा था, तब उतनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने इस पॉट को फुल सनलाइट में रख दिया, तब देखा कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू हो गया है। स्टॉक प्लांट मस्टर्ड फैमिली यानी ब्रासिकेसी सी फैमिली से ये बिलोंग करता है, और इसके फूल एक लंबे स्टॉक के ऊपर कॉम्पैक्ट पैटर्न में इस तरह से खिलते हैं। फूल छोटे छोटे थोड़ा गुलाब की तरह दिखता है, यानी कि मल्टी पेटल फूल है, और स्टॉक के फूल आपको सिंगल पेटल में भी मिल जाएगा। इस प्लांट को कितने बड़े साइज के गमले में लगाना चाहिए, इसे आप 6 से लेके 10 इंच तक के गमले में आप लगा सकते हैं। 8 इंच के गमले में भी लगाइए। 6 इंच के गमले में लगाना है तो सिर्फ एक प्लांट लगाएं। अगर दो प्लांट लगा सकते हैं चाहे तो आप दो से अधिक भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। और इसे लगाने के लिए मैंने अपने गार्डन सॉइल का एक भाग लिया है, और उसके आधे भाग में वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मिलाना, और थोड़ी सी नीम की खली बोन मिल एक मुट्ठी आप ले सकते हैं। नीम की खली इसलिए मिलाया है ताकि मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं लगे। स्टॉक प्लांट को पूरे दिन का सनलाइट लगना जरूरी है, इसलिए इस प्लांट को उस लोकेशन पे रखें जहाँ सुबह से शाम तक इस प्लांट को धूप लगे, तभी अच्छी फ्लावरिंग होगी। फर्टिलाइजर क्या दें? हर 15-20 दिनों पे इस प्लांट को आप लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इसके लिए मैंने ये देखिए प्याज लहसुन फलों के छिलकों को एक बकेट पानी में 2-3 दिन के लिए मैं भिंगो के छोड़ देती हूँ, और बाद में इस छिलके को छन्नी से छान के हटा दीजिए, और इसमें 5-6 टुकड़े सरसों खली और थोड़ी सी नीम की खली भी डाल देना है। और अच्छी तरह से जब ये पानी में मिक्स हो जाए तो इसे मिलाकर और आप हर प्लांट को आप ये दे सकते हैं स्टॉक प्लांट के अलावे। यकीन मानिए, इस लिक्विड फर्टिलाइजर से ये स्टॉक प्लांट में इसी से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है मेरी। बीमारी से बचाव के लिए स्टॉक प्लांट के ऊपर नीम ऑयल का 5-6 बूंद 1 लीटर पानी में मिलाइए, और आधा चम्मच सूप भी डाल दीजिए उसमें। अच्छी तरह से मिला के हर 2-3 महीने पे आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। वैसे मेरे इस स्टॉक प्लांट पे अभी तक कोई बीमारी नहीं लगी है, और सितंबर मंथ से लेके अभी जनवरी लास्ट है, अभी तक मैंने कोई स्प्रे इस पर नहीं किया है। प्लांट एक हार्डी प्लांट है। एक बार इसे अच्छे से रिच न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल में लगा देने पे मैंने पाया है कि इसमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप 1-2 महीने में आप 1-2 बार आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए, फुल सनलाइट में रखिए, इसी से यह अच्छी फ्लावरिंग आपको देगा। पर्पल व्हाइट के अलावा स्टॉक प्लांट और भी शेड में आते हैं, लाइट पिंक कलर भी इसके होते हैं, लेकिन और ये सिंगल और मल्टी दोनों ही पेटल में आपको मिल जाएगा। अभी भी आप इस स्टॉक प्लांट को लगा सकते हैं ताकि ये आपको मार्च महीने में भी फूल दे सकेगा। पर्पल और व्हाइट कलर दोनों के ही फूल में मैंने पाया है कि व्हाइट वाला जो फूल है इसमें थोड़ी खुशबू ज़्यादा है, और पर्पल में थोड़ा माइल्ड खुशबू है। बहुत ही इसकी भीनी भीनी मीठी सी खुशबू है, हल्की खुशबू है। और इस फूल के ऊपर तितलियाँ भी बहुत ज़्यादा
आकर्षित होती हैं और यह एक बहुत ही गुड लक फ्लावर माना जाता है, इसीलिए इसे आप जरूर लगाएं। अगर इसे आप अपनों को, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्नेह है, प्यार है, इस प्लांट को आप उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सिंबल भी है ये लव का। पॉटिंग कैसे करें? जब भी पानी देना हो इसकी मिट्टी को पहले चेक कर लें। जब मिट्टी बहुत सूखी लगे तभी आप इसमें पानी दें। विंटर में एक टाइम के पानी से भी काम चल जाता है। प्रोपगेशन इसकी सीड और कटिंग दोनों से हो जाती है। फूल जब सूखने लगते हैं तो बाद में इसमें बीज का निर्माण होता है और इसका तैयार प्लांट आप नर्सरी से भी आप खरीद सकते हो। ये देखिए, ये मेरा स्वीट इलाइसम का प्लांट है। ये वाइट कलर में है, इसमें भी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनों के बीच में शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।